प्यारे बच्चों, मैं पुनः आपका स्वागत करती हूँ ऑनलाइन क्लास में। और मैं फिर से आपको पाठ 12 सुनीता की पहिया कुर्सी का शेष भाग पढ़ा रही हूँ। बच्चों, हमने यहाँ तक पढ़ लिया था ना, आगे पढ़ते हैं। अंत में सुनीता बाजार पहुँच गई। बच्चों, अब इतना सब कुछ हुआ था जो मैंने आपको ऊपर बताया था, इसके बाद सुनीता बाजार पहुँच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। अब जिस शॉप पर उसको जाना था वहाँ पर उसको सीढ़ियाँ थी, उस पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल काम था। मुश्किल का मतलब कठिन। आस पास के सब लोग जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। सभी लोगों को बड़ी जल्दी थी, कोई भी सुनीता की तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ाया जा रहा था, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। अब जिसको छोटू कह रहे थे ना, जो अब वो बच्चा फिर से उसके सामने आकर खड़ा हो गया। कहता है, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया, उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया और अपना इंट्रोडक्शन देके कहता है कि मैं क्या हूँ, अमित हूँ, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँ। तो वो कहती है, मेरा नाम सुनीता है। उस बच्चे ने अपना नाम बताया, अमित, छोटू का जो नाम था। बच्चों ध्यान रखना, जो छोटू नामक बच्चा था उसका नाम वैसे क्या था, अमित। अब सुनीता कहती है, मेरा नाम सुनीता है। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे से पैडल को पैर से जरा दबाओ। कह रही है, मेरी पहिया कुर्सी का जो पैडल है, ठीक है, उसको जरा पैर से दबाओगे। फिर छोटू कहता है, अमित कहता है, हाँ हाँ ज़रूर। कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ी पर रखा, फिर उसने पिछले पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। ठीक है, पहले आगे वाला उसका पैडल रखता है आगे और फिर उसके बाद उसके पीछे वाला। सुनीता ने अमित को धन्यवाद दिया और कहा, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। अब वो कहती है, थैंक यू, अब मैं दुकान तक खुद पहुंच जाऊँगी, धन्यवाद। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली उसकी गोदी में रख दी। अब दुकानदार ने, जैसे वो हाथ आगे बढ़ा रही थी, उतने में दुकानदार ने क्या कर दिया, वो जो चीनी दी थी ना 1 किलो उसको, तो वो उसकी गोदी में रख दी। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपने आप सामान ले सकती हूँ। उस दुकानदार ने तो इसलिए दिया कि सुनीता के हाथ पांव ढंग से काम नहीं करते थे, लेकिन सुनीता को इस चीज़ से बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं भी तो अपने काम खुद कर सकती हूँ। उसे दुकानदार का व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कोई अजीबोगरीब लड़की हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता अमित को कहती है, लोग तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं कुछ अजीब सी लड़की हूँ। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ऐसा व्यवहार करते हैं, अमित ने कहा। अमित कहता है, शायद तुम्हारी जो पहिया कुर्सी है, जो तुम्हारी व्हील चेयर है, तुम इस पर रहती हो ना, इसलिए तुम लोग के साथ ऐसा व्यवहार करते हैं। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है, मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। सुनीता कहती है छोटू को, अमित को, कि इस कुर्सी में ऐसी कौन सी खास बात है, मैं तो छोटे से ही इस कुर्सी को चलाती हूँ। बच्चों, वो छोटे से ही उस व्हील चेयर पर थी ना, इसलिए उसे नहीं लग रहा था कि मैं कुछ अलग सा काम कर रही हूँ, क्योंकि उसकी वो हैबिट बन गई थी, ठीक है, उसकी वो हैबिचुअल हो चुकी थी। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो। फिर कहती है सुनीता, मैं पैरों से चल ही नहीं सकती, इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ, लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। कहती है, मैं पहिया कुर्सी में रहती हूँ बैठी हुई, लेकिन मैं फिर भी दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, मैं वो सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, सुनीता ने कहा। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ। कह रहे हैं, मैं भी सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं उन सारे बच्चों से अलग हूँ। बच्चों, अमित का कद कैसा था, क्योंकि छोटा था, इसलिए वो सोचता था कि मैं सारे बच्चों से अलग हूँ। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है, हम दोनों ही बाकी लोगों से अलग हैं। कहते, तुम व्हील चेयर पर चलती हो और मैं बौना हूँ, ठीक है, मैं छोटा हूँ, मेरा कद छोटा है, तो मैं, हम दोनों बाकी लोगों से अलग हैं। सुनीता कुछ सोचने लगी, उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई, अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। फरीदा वही बच्ची है बच्चों, जो उसको पहले कहाँ मिली थी, खेल के मैदान में, उसके बाद कपड़े की शॉप के आगे।
इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। अब जो अमित था वो फटाफट से जो सुनीता की पहिया कुर्सी है उसके पीछे खड़ा हो गया और तेजी से दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगे। फरीदा भी उनके साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को उनकी परवाह नहीं थी। ठीक है, अब क्या था, फरीदा भी उनके साथ साथ दौड़ने लगी और लोग उनको घूर रहे थे। सुनीता को, अमित को और फरीदा को भी घूर रहे थे, लेकिन उन बच्चों को अब बाकी लोगों की कोई परवाह नहीं थी। मैं आशा करती हूँ मेरे प्यारे बच्चों आपको ये पाठ समझ आ गया होगा। इसी कामना के साथ आज का ये पाठ यहीं पर ख़त्म होता है। मैं आपको अब अगले वीडियो में मिलती हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा।